गाइस यहां पर आप देख सकते हो मेरे पायर अकाउंट में इस वक्त तकरीबन 13.5 डॉलर अवेलेबल हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में अगर कन्वर्ट किया जाए तो यहां पर मैं आपको कन्वर्ट करवा के दिखाता हूं, लाइव विड्रॉ आपको करके दिखाऊंगा, आपको पैसे निकाल कर दिखाऊंगा, वो भी इजी पैसा एंड जैज कैश में। अगर यहां पर देखें एक डॉलर की बात की जाए तो पाकिस्तानी 287 रुपए का चल रहा है और हमारे 13.5 डॉलर जो है इस वक्त हो चुके हैं। अब मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, 13 लिखते हैं जी, 13.5 को एंटर करते हैं तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि हमारी 3500 से ज्यादा की जो अमाउंट है वो बनती है, जिसको इजी पैसा जैज कैश में अभी कन्वर्ट करवा के आपको दिखाता हूं। तो देखें बगैर किसी एक्सचेंज में कन्वर्ट किए और मेरे यहां पर देख सकते हैं चंद मिनट के अंदर अंदर पैसे कन्वर्ट भी हो चुके हैं और मेरे इजी पैसा में आ भी चुके हैं। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे अकाउंट में अभी नोटिफिकेशन आया है कि देखें आपके अकाउंट में हमने पैसे कन्वर्ट करके भेज दिए हैं। आप लोग कैसे बगैर किसी एक्सचेंज के और बगैर किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के कन्वर्ट करवा सकते हैं, आज की इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अगर आप अपने पायर के पैसे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो इससे बेस्ट मेथड आपको कोई नहीं बताएगा। गाइस मैंने अभी YouTube ओपन किया है और सर्च किया है पायर टू इजी पैसा एंड जैज कैश, तो मेरे सामने काफी ज्यादा वीडियोस आई हैं। उन वीडियोस को मैंने वॉच किया है जिसमें मोस्टली यूट्यूबर्स आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के बारे में बता रहे हैं जिसमें आपने पैसे कन्वर्ट करने होते हैं, यानी एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी वेबसाइट होती है उनके बारे में बताया जा रहा है। अगर आप उन एक्सचेंज पर अपने पायर के पैसे भेजते हैं तो उनका यह दावा है कि आपको वो कन्वर्ट करके इजी पैसा जैज कैश में दे देते हैं। आपने कोई भी मेथड फॉलो नहीं करना, खाली वेबसाइट पर पैसे भेजने हैं, वो आपको कन्वर्ट करके इजी पैसा जैस कैश में देंगे। तो अब इसमें क्या रियलिटी है, तो रियलिटी यही है कि भाई आप उन एक्सचेंज को यूज ना करें। वो जो वेबसाइट्स होती हैं वो तकरीबन एक महीना चलती हैं, दो महीना चलती हैं, उसके बाद वो बंद हो जाती हैं, आपके पैसे स्ट्रक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर आपके कोई भी चांस नहीं होते कि पैसे रिकवर हो। ठीक है, तो आज मैं आपको जो मेथड बताने के लिए जा रहा हूं ये मैं खुद भी यूज करता आ रहा हूं, पर्सनली यूज करता हूं, और मेरे पास जो भी पायर में पैसे आते हैं इस मेथड को यूज करके मैं कन्वर्ट करवा लेता हूं। तो आपने कैसे इस मेथड को फॉलो करना है, कोई भी रिस्क नहीं है, किसी भी फेक वेबसाइट पर आपने ट्रस्ट नहीं करना, आप यहां पर बिल्कुल फ्री में यहां पर बगैर कोई ज्यादा फीस के इजीली अपने पैसों को कन्वर्ट करवा के पायर के जैस कैश इजी पैसा में ले सकते हैं। तो कैसे आपने कन्वर्ट करवाने हैं, कैसे निकलवाने हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, ए टू जेड आपको सिखाऊंगा। अगर आप एक बार भी स्किप कर देंगे हो सकता है कि आपका पैसा लॉस हो जाए, आपको समझ ना आए, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आपने वीडियो को लाजमी वॉच करना है, एंड तक वॉच करना है, ताकि कंप्लीट मेथड समझ आ सके और आप अपने पैसों को कन्वर्ट करवा सकें। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने हमारी जो भी वीडियो है इसको लाइक करना है और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को बिल्कुल ऑल कर देना है। इसका क्या होगा कि हमारी जो बर्वक्त वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, आप लेट नहीं होंगे। आप हमारी वीडियो का जैसे नोटिफिकेशन आएगा उस पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड देख सकते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने अपने पायर अकाउंट को ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद अब आप लोगों ने जैस कैश इजी पैसा में पैसे कैसे निकालने हैं इस मेथड को लाजमी देखिएगा। अब देखिएगा कि यहां पर देखें हमें कोई भी डायरेक्टली इजी पैसा जैस कैश का ऑप्शन नहीं मिल रहा जिससे हम यहां पर जो है इसको कन्वर्ट करें और इजी पैसा जैस कैश में ले लें। इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, उस मेथड के तहत ही हम यहां पर इसको कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली मेथड को यूज करके हम कन्वर्ट करेंगे और बगैर कोई इतनी एक्स्ट्रा फीस के हम यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, यहां पर देखें आपके अकाउंट में रबल भी आ जाते हैं, यहां पर देखें रबल भी आ जाते हैं पायर में और डॉलर भी आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी करेंसी आप पायर में रिसीव कर सकते हैं। तो मेरे पास 9.4 डॉलर जो है वो डॉलर है यूएसडी। ठीक है, और यहां पर देखें अगर हम रबल की बात करें तो 8.4 है और अगर नीचे जाएं तो यहां पर देखें टीथर यूएसडीटी। ठीक है, ये भी एक डॉलर होता है और ये यूएसडी है, ये एक सिंपल डॉलर है। ठीक है, दो तरह के डॉलर हैं, इसको समझिएगा, यूएसडी डॉलर सिंपल वाला होता है। ठीक है, और अगर नीचे जाएं तो ये है टी वाला, यानी ये टीथर वालों का एक नेटवर्क है, कंपनी है समझ लें उनका, ये यूएसडी यानी ट्रोन वालों का है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। अब यहां पर आप लोगों ने करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले इन डॉलर्स को अगर आपके अकाउंट में ये वाले यूएसडी पड़े हैं या रबल पड़े हैं, सबसे पहले आपने इनको कन्वर्ट करना है टीथर में यानी यूएसडीटी में। ठीक है, यूएसडीटी एक ऐसा डॉलर है कि किसी भी एक्सचेंज में जाके आपको इजीली सेल कर सकते हैं, कोई भी बंदा अगर बाय करना चाहते हैं इजीली उसको भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने करना है कि इनको कन्वर्ट कैसे करना है ताकि हम यूएसडीटी जो भी हमारा डॉलर है उसको कन्वर्ट करवा के निकलवाएं। तो आप लोगों ने करना क्या है, जस्ट यहां पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब होता है ना कन्वर्ट करना, तो यहां पर लिखा है एक्सचेंज, आपने यहां पर क्लिक करना है और यहां पर आपको दो तरह की करेंसी नजर आएंगी। यहां पर लिखा है गिव और गेट, यानी हमने जो चीज देनी है बदले में हमें क्या मिलेगा। तो हमारे पास क्या थे, यूएसडी। ठीक है, हमारे पास थे यूएसडी जो कि 9.14 है। ठीक है,
इस 9.40 है, तो इसको हम एंटर करते हैं और यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपका इतना बैलेंस है, तो भाई इसको हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो देखें ये कन्वर्ट हो चुका है, अब हमने इसको यहाँ पर एंटर हो चुका है, अब हमने इसको कन्वर्ट कितना किस में करना है, USDT में। इस पर हमने क्लिक करना है और ये हमारा जी डॉलर आ गया दूसरे वाला, यानी टीथर कंपनी का जो भी डॉलर है इसको हमने ओपन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया हमारा डॉलर यहाँ पर आ जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए कोई ज़्यादा भी फ़ी नहीं लग रही हमारी, कम फी के अंदर यहाँ पर 9.22 जो है हमारे डॉलर बन जाएंगे। तो हमने करना क्या है, एक्सचेंज पे क्लिक करना है। अब मैं जैसे इसको एक्सचेंज पे क्लिक करूँगा, मेरे जो है अकाउंट में यहाँ पर देखें कन्वर्ट होके मेरे पास जो है वो इस वक्त USDT आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा क्या हाल बना है यहाँ पर। तो हम नीचे जाते हैं, तो नीचे जाने के बाद देखें हमारे पैसे जो है कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से आपने रबल को चूज़ कर लेना है, अगर आपके पास जो भी करेंसी उसको चेंज करके आपने USDT में लेके आना है, ठीक है। अब USDT में आने के बाद अब आप लोगों ने यहां से निकालना है, कहां से निकालेंगे, कैसे सेल करेंगे, अगला मेथड आपने लाजमी फॉलो करना है। अब यहां पर अब दूसरा तरीका यह है कि आपने पायर से पैसे दूसरी एक्सचेंज में भेजने हैं, वहां जाके सेल करने हैं इजी पैसा जैस कैश में, ठीक हो गया। तो अब यहां पर इसको सेंड कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको अब दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा है ट्रांसफर। पहला था एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है कन्वर्ट करना, ट्रांसफर का मतलब होता है किसी को भेजना। जैसे हम ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पायर का ऑप्शन मिलता है, ADV कैश का ऑप्शन मिलता है। तो हमने करना है कि हमारे पास है USDT TRC20, तो हमने करना है कि इस पे क्लिक करना है और यहां पर हमारे पास जो भी अमाउंट है पायर USDT की जो भी अमाउंट है वो हमने यहां पर एंटर करनी है। इस पे क्लिक करते हैं। अब यहां पर जो है हमें टोटल जो रिसीव होंगे वो हमें यही बता रहा है कि भाई आपको इतने पैसे रिसीव होंगे। देखें यहां पर आपने परेशानी होना कि इतनी फी लग रही है और हमें खाली 10 डॉलर रिसीव हो रहे हैं। देखें ये जो USDT होता है ना ये महंगा सेल होता है, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, आपने घबराना नहीं है। अब यहां पर वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आप एड्रेस यहां पर पेस्ट करें जिस एक्सचेंज में, जिस दूसरे अकाउंट में आप भेजना चाह रहे हैं। तो हमने सबसे पहले पायर से दूसरे अकाउंट में भेजने हैं, दूसरी एक्सचेंज में भेजने हैं, दूसरे वैलेट में भेजने हैं, उसके बाद जाके वहां पर इजी पैसा जैस कैश में कन्वर्ट करेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, जस्ट अपनी एक बाइनास ऐप है उस पर अकाउंट बना लेना है, ठीक है। इसको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि बाइनास क्या है और कैसे आपने इसका अकाउंट बनाना है। आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, यही जैसे वीडियो मुकम्मल होगी एंड होगी तो आपको बाइनास वाली वीडियो मिल जाएगी, आप लोगों ने बाइनास का अकाउंट बना लेना है। अगर आपका बाइनास अकाउंट नहीं है तो आप लोगों ने करना है कि अपने वालिद साहब का या बड़े भाई का जिसका भी आईडी कार्ड बना है, या अपना कोई दोस्त आपका जिसका आईडी कार्ड बना है तो उसके नेम पर भी आप बना सकते हो। तो सिंपल आप लोगों ने करना है कि अपनी बाइनास ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जस्ट यहां पर आप लोगों ने करना क्या है, वैलेट पे क्लिक करना है। जब आप वैलेट पे क्लिक करेंगे ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर लिखा है वैलेट, ठीक है। वैलेट पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है फंडिंग, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। वैलेट में आने के बाद तीसरा ऑप्शन है फंडिंग, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे, आप लोगों ने करना क्या है डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जो मेथड बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च में जाइएगा और यहाँ पर सर्च कीजिएगा USDT, ठीक है। अब ये देखें वही डॉलर यहाँ पर भी शो हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर पैसे भी रिसीव करेंगे, हर एक्सचेंज में USDT लिस्ट है, इजिली पैसे ले सकते हैं। तो हमने इसको करना क्या है क्लिक करना है। अब यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क आ जाएंगे, हमने करना क्या है TRC20 वहाँ पर भी सिलेक्ट किया था और यहाँ पर भी नेटवर्क को वही सिलेक्ट करेंगे। आपने नेटवर्क डिफरेंट सिलेक्ट नहीं करने, नहीं तो आपके पैसे जाया हो जाएंगे। अब मैंने TRC20 यहां पर भी सिलेक्ट किया है और इसको मैं करता क्या हूं, कॉपी करता हूं, इसी एड्रेस पर जो है मुझे पैसे रिसीव होंगे, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जस्ट हम दोबारा बैक करते हैं और हम अपने पायर अकाउंट में यहां पर आके पैसों जो एड्रेस है इसको पेस्ट करते हैं ताकि हम अपने पैसों को कन्वर्ट कर सकें। इस पर क्लिक करते हैं और यहां पर जो है हम इसको ट्रांसफर करते हैं, कुछ देर लगेगी, उसके बाद यहां पर जो है वो आपके पैसे अकाउंट में चले जाएंगे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं, ट्रांसफर पर क्लिक करता हूं, तो देखिए हमारी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। कंफर्म पे क्लिक करते हैं और यहां पर जो है हमारी पेमेंट चली जाएगी इनके पास और यहां पर कुछ देर के बाद जो है हमारे अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। अभी बाइनास में हमारी पैसे जो हमारी पेमेंट है वो नहीं आई, अभी हम यहां पर वेट करते हैं, जैसे हमें रिसीव होगी आगे चल के मैं आपको लाइव जो है वो इजी पैसा जैस कैश में निकाल कर दिखाता हूं। तो मैंने अपनी बाइनास की जो ऐप है उसको ओपन कर लिया है। अब यहां पर देखिए उन्होंने हमें बताया भी हुआ है कि आपका जो USDT है वो आ चुका है, यहां पर देख सकते हैं USDT डॉलर आ चुके हैं। इस पर क्लिक करते हैं और देखें यहां पर हमारे अकाउंट में ऐड किए गए हैं, ठीक हो गया। अब यहां पर सबसे पहले हमने फंडिंग में जाके इनको कन्वर्ट करवाने हैं और इजी पैसा जैस कैश में लेने हैं। अब यहां पर हमने करना क्या है, जस्ट यहां पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है P2P, हमने यहां पर क्लिक करना है। तो जैसे हम यहां पर क्लिक करते हैं तो देखें डिफरेंट जो है वो लोग यहां पर जो है वो डॉलर सेल भी कर रहे हैं और बाय भी कर रहे हैं और यहां पर साथ मिजान बैंक भी लिखा है और डिफरेंट बैंक जो है पाकिस्तान के वो भी आप यहां पर उन मेथड के थ्रू यहां पर जो है उनको एक्सचेंज करवा सकते हैं, इजी पैसा जैस कैश के थ्रू भी यहां पर एक्सचेंज करवा सकते हैं। अब यहां पर डिफरेंट जो है वो सेलर्स अवेलेबल हैं, इन्होंने पोस्ट की हुई हैं। अब यहां पर एक चीज आपने समझनी है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 10 डॉलर सेल करना चाह रहा हूं तो मेरे 10 डॉलर कितने बनते हैं, यहां पर 300 रुपए का रेट चल रहा है, ठीक है। अब 10 डॉलर कितने बनते हैं, तकरीबन 3000 रुपए। अब यहां पर 3000 रुपए कम अज कम हमारे जो है वो होने चाहिए
उन सेलर से हमने रब्ता करना है। अब यहाँ पर ये जो सेलर हैं इनके पास देखें तकरीबन 3.5 लाख ये कहने कम से कम आपके पास होना चाहिए और 7.5 लाख तक होना चाहिए आप तब हमसे रब्ता करें तब जाके सेल करें। भाई इतनी बड़ी हमारे पास अमाउंट नहीं है, हमने अपने हिसाब से देखना है। हमारे पास 10 डॉलर हैं तो उस हिसाब से देखना है। अब यहाँ पर 1 लाख वाला बंदा भी है, 2 लाख वाला बंदा भी है, यहाँ पर आपने चेक करना है। मैं नीचे जाता हूँ चेक करता हूँ कि भाई मेरे 3000 या 3000 से अबव वाले जो बंदे हैं वो उससे रब्ता करना है और उसको चेंज उसको मतलब कि सेल करना है और बदले में मुझे इजी पैसा इन जैस कैश पैसे दे देगा। तो मैं जैसे नीचे जाता हूं तो यहां पर देखिए मेरे पास जो है वो एक ऑप्शन नजर आ रहा है। यहां पर देखिए गैलेक्सी ट्रेडर और इनकी लिमिट है 3000 रुपए और 26000 रुपए मैक्सिमम है, यानी हम इजीली इनको सेल कर सकते हैं और इजी पैसा हमें दे रहा है। तो सिंपल हमने करने के सेल पे क्लिक करना है और यहां पर हमारे पास कितने डॉलर थे उनको हमने एंटर करना है। 10.3 हमारे पास डॉलर थे जिसको हमने एंटर करना है, तकरीबन 3000 रुपए हमें रिसीव हो जाएंगे और यहां पर हमने इनको सेल करना है। सिंपल हमने करने के सेल विद जीरो फी पे क्लिक करना है और यहां पर भी हो सकता है कि आपके साथ स्कैम हो, तो यहां पर आप लोगों ने एक मतलब के जो है वो एक टेक्निक के साथ यहां पर सेल करना होता है। यहां पर कोई स्कैम इतना नहीं होता, लेकिन यहां पर ये देखें सारे वेरीफाइड लोग होते हैं और ये जो बाइनांस है ये बहुत बड़ी एक्सचेंज है। यहां पर ये नहीं होता कि आपके पैसे खा लिए जाएं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। बाइनांस इनके डॉलर भी होल्ड कर लेते हैं, जैसे आप यहां पर जो है वो ट्रेड लगाएंगे जैसे ऑर्डर लगाएंगे तो बाइनांस जो होता है वो इनके पैसे होल्ड कर लेता है। अगर आपके साथ ये बेईमानी करेंगे तो बाइनांस आपको पैसे रिटर्न करवा के देगा, ठीक हो गया। अब यहां पर आप लोगों ने करने के इनसे चैट भी कर लेनी है, अगर ये अवेलेबल होंगे तो वो आपको बता देंगे। यहां पर आप लोगों ने जस्ट खाली करना क्या है, वेट करना है, ठीक है। आप यहां पर चेक भी कर सकती हैं ऑनलाइन है या नहीं है। तो यहां पर मैं वेट करता हूं कि मुझे जैसे ही पैसे भेजेगा तो मैंने इसको जाके यहां पर बताना है कि पेमेंट रिसीव होगी और नेक्स्ट प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर ही यहाँ पर देखें ऊपर इजी पैसा की तरफ से नोटिफिकेशन आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखें आपके अकाउंट में हमने पैसे ऐड कर दिए हैं, मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो सिंपल मैं पेमेंट रिसीव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ देखिए मुझे करेक्ट अमाउंट ही रिसीव हुई है, तो मैं इसको कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। तो ले जी यहाँ पर हमारे पास वेरीफिकेशन मांगी जाएगी जो बाइनांस की तरफ से होती है, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करनी है ईमेल वगैरह की, उसके बाद जाके हमारे अकाउंट में यहाँ पर पैसे जो है रिलीज हो जाएंगे और उनके अकाउंट में चले जाएंगे। देखिए हमारे डॉलर जो है वो सेल हो चुके हैं और हमारे अकाउंट में जो है वो पैसे ऐड हो चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप इजीली जो है अपने पायर के पैसे निकलवा सकते हैं। ये मेरा पर्सनली मेथड है, इस मेथड के थ्रू ही मैं अपने पैसों को कन्वर्ट करवाता हूँ और इजीली अपने जैस कैश इजी पैसा में ले लेता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।